अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। हम सभी मामाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि अक्सर बच्चे टिफिन फिनिश नहीं करके आते हैं, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ मंडे टू फ्राइडे के लिए 5 टिफिन रेसिपीज, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होंगी, जिससे कि बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपीज होंगी, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में जो जल्दी से बनाई जा सके। तो चलिए आज हम मंडे टिफिन से स्टार्ट करते हैं। तो मंडे के लिए आज हम बनाएंगे आटे का चीला। ये यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप दही, ये यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें कैरम सीड यानी अजवाइन, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून साल्ट और 1/2 टीस्पून डालूंगी टर्मरिक पाउडर। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे और पानी डालकर एक स्मूथ सा विदाउट लम्स इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अभी बैटर हमारा तैयार हो चुका है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चॉप्ड ग्रीन चिली, 1 चॉप्ड गार्लिक क्लॉव और डाल देंगे चॉप्ड अनियन और डाल देंगे इसमें चॉप टमेटोज और डाल देंगे बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। अब एक तवे को गर्म करके उस पर ऑयल को स्प्रेड कर देंगे और इसमें से जो हमने बैटर बना के तैयार किया है वो डालकर इवनली स्प्रेड कर देंगे, एक चीले जैसे शेप दे देंगे उसको। इस तरीके से स्पून की हेल्प से इसको फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे और एक साइड से सिकने देते हैं इसको। एक साइड से सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे। अब ये सिक चुका है तो हम इसको पलट देंगे और सेक लेंगे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक। इसी तरीके से हम सभी बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम इनको टिफिन में अरेंज कर लेंगे। तो लीजिए, ये मंडे टिफिन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ हम रख देंगे सॉस और रख देंगे हम एप्पल। ट्यूजडे टिफिन के लिए हम बनाएंगे अप्पे। अब यहाँ पर लेंगे हम इडली बैटर और उसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड अनियन और डाल देंगे कैरेट और डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून साल्ट और मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। अब ले लेंगे हम एक अप्पे मेकर और उसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल हम स्प्रेड कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर मेकर को हमने गैस पर रख दिया है और उसमें बैटर को फिल कर देंगे। तो सभी मोल्ड्स में यहाँ पर हमने बैटर फिल कर दिया है और अब इनको ढककर पका लेंगे लगभग 3 मिनट के लिए। अब इनको रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं तो अब इनको हम चेक कर लेंगे। तो अभी एक साइड से ये सिक चुकी है तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम अप्पे हमारे एक साइड से सिक कर तैयार हो चुके हैं, तो इनको पलट देंगे हम
और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे लगभग 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमारे सिक चुके हैं दूसरे साइड से भी, तो इनको अब निकाल लेंगे हम, और मैं रखूंगी इनको नारियल की चटनी के साथ। तो लीजिए, ये हमारा ट्यूजडे टिफिन भी तैयार हो चुका है। आप इनके साथ फ्रूट या सैलेड देना चाहें तो दे सकते हैं, बट मेरे बच्चे तो इनको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज मैं इसके साथ कुछ नहीं दूंगी। वेनेसडे टिफिन में बनाएंगे हम पालक के पराठे, जो कि आयरन से भरपूर होते हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे हम 1 कप बीट फ्लोर, और डाल देंगे उसमें फाइनली चॉप्ड पालक यानी स्पिनच, और डाल देंगे एक फाइनली चॉप्ड अनियन, और डाल देंगे इसमें गार्लिक पेस्ट, और हाफ टी स्पून डाल देंगे साल्ट, और हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा पाउडर, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। अब अच्छे से मसलते हुए हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। अब हमारा आटा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके पराठे बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इसके आटे के, और अब उनको बेल लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो भी आपके बच्चे को सेब पसंद है उस तरीके की आप सेब दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर में बना रही हूँ, तो इस तरीके से आप इसको बेल लीजिए। और अब हम पराठों को सेक लेंगे इस तरीके से। एक साइड से सेकने के बाद हम इसको पलट देंगे, और उसके बाद घी लगा देंगे, और घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अभी दूसरी साइड से पलट देंगे, और उस साइड से भी घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। पराठा यहाँ पर सिक कर तैयार हो चुका है, तो निकाल लेंगे हम इसको। यहाँ पर हम इसको मिक्स सैलेड के साथ रख देंगे। अभी एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है मैंने, और अब पराठे अरेंज कर देंगे हम इसमें। तो लीजिए, ये वेनेसडे टिफिन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। थर्सडे टिफिन के लिए हम बनाएंगे दही सैंडविच, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप हैंकर्ड। इसको 2 घंटे के लिए कॉटन क्लॉथ में लटका दीजिए, तो इस तरीके का गाढ़ा दही बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद डालूंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून साल्ट, और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, और फाइनली चॉप डाल देंगे अनियन।
वेजिटेबल्स को यहाँ पर मैंने बहुत फाइनली चॉप्ड करके रखा है, फाइनली चॉप्ड डाल देंगे इसमें कैप्सिकम, और डाल देंगे चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड कैबेज, और डालेंगे चॉप्ड टोमेटोज, और डाल देंगे स्वीट कॉर्न, अब इन सब्जियों को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। अब ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर पैन गरम करके उसमें घी लगा दिया है और उस पर सैंडविच रख दिया है। आप इनको सेक लेंगे इस तरीके से, एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे हम ढककर इसको। अभी सैंडविच एक साइड से सिक कर तैयार हो गया है, तो हम उसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे इसको। दूसरी साइड भी सिक चुकी है, तो इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो ये हमारा तैयार है थर्सडे टिफिन, तो इसको मैं खीरे के साथ सर्व करूंगी। ये हमारा थर्सडे टिफिन बनकर रेडी हो चुका है, तो अब चलते हैं हम फ्राइडे टिफिन की तरफ। तो फ्राइडे टिफिन में हम बनाएंगे लेमन राइस। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल को गरम करके उसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल। अब इन तीनों को फ्राई कर लेंगे जस्ट कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून मूंगफली के दाने। इनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, और डाल देंगे एक तोड़कर रेड चिली, उसके बाद डालेंगे हम इसमें 4 काजू और 4 बादाम। थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी खिलाने अच्छे होते हैं। और डाल देंगे 10 से 12 करी लीव, और एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके उसको भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, अब डाल देंगे 1 कप बॉयल्ड राइस। राइस में मैंने पहले से सॉल्ट डालकर इसको बॉयल करके रखा है, तो मुझे सॉल्ट डालने की इसमें और ज़रूरत नहीं है। और 1 लाइम जूस इसमें हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से इन सभी को। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। मिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी फ्राइडे टिफिन रेसिपी भी तैयार हो चुकी है, तो हम इसको सर्व कर देंगे टिफिन में। मैं यहाँ पर खीरे के साथ रख रही हूँ, आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं, और मैं रखूँगी इसके साथ तिल का लड्डू। आप ये पहले से बना कर रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टिफ़िन रेसिपीज कैसी लगी, ताकि मैं और भी नई नई वीडियोज़ आपके लिए टिफ़िन रेसिपीज़ की ला सकूं।